यार दोस्तों, आज हम आपको अपने ब्लॉग में चमोली ज़िले में स्थित प्रसिद्ध मंदिर आद्रि बद्री टेम्पल कर्णप्रयाग चमोली के बारे में पूर्ण जानकारी देने वाले हैं। यदि आप आद्रि बद्री मंदिर के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। आद्रि बद्री मंदिर एक प्रसिद्ध पवित्र एवं धार्मिक मंदिर है जो कि रानीखेत मार्ग पर कर्णप्रयाग से करीब 17 किलोमीटर दूर तथा चाँदपुर गढ़ी से 3 किलोमीटर दूर पर स्थित है। आदि बद्री मंदिर प्राचीन मंदिर का एक विशाल समूह एवं बद्रीनाथ मंदिर के अवतारों में से एक है। इस मंदिर का प्राचीन नाम नारायण मठ था। आदि मंदिर कर्णप्रयाग से लगभग 16 किलोमीटर दूर है और 16 प्राचीन मंदिरों का एक समूह है, लेकिन वर्तमान समय में केवल 16 मंदिर में से 14 ही बचे हैं, जिनमें से 2 मंदिर खंडित या विखंडित हो गए हैं। आदि बद्री मंदिर का सेफ पिरामिड की तरह है। आदि बद्री मंदिर बद्री क्षेत्र में स्थित सप्तम बद्री मंदिरों में से एक है। इसमें बद्री विशाल या बद्रीनाथ, आदि बड़री, वृद्धा बद्री, ध्यान बद्री, अर्धा बद्री, भावी बद्री और योगदान बद्री है। मंदिर की यह मानता है कि आदि बद्री मंदिर भगवान नारायण की तपस्थली थी। इस क्षेत्र में आदि गुरु शंकराचार्य सबसे पहले आए थे, तब से इस स्थान को आद्रि बद्री कहा जाने लगा है। मंदिर मुख्य रूप से भगवान विष्णु का मंदिर है तथा मंदिर में भगवान विष्णु की 3 फुट ऊंची मूर्ति की पूजा किया जाता है। इस मंदिर में 1 मीटर ऊंची काली शालिग्राम की मूर्ति है। मंदिर प्रांगण में भगवान शालिग्राम अपने चतुर्भुज रूप में खड़े हैं। यह मूर्ति मंदिर में गर्भगृह के अंदर स्थित है और एक इसके निकट ही एक छोटा सा मंदिर भगवान विष्णु की सवारी गरुड़ को समर्पित है। आदि बद्री मंदिर में अन्य देवी देवताओं जैसे सत्यनारायण मंदिर, लक्ष्मी मंदिर, राम लक्ष्मण सीता मंदिर, काली मंदिर, शिव मंदिर, माँ गौरी मंदिर, माँ अन्नपूर्णा मंदिर, चक्रभान मंदिर, कुबेर मंदिर, शंकर एवं हनुमान जी के मंदिर भी स्थित हैं। आदि बद्री मंदिर की पूजा थापली गांव के रहने वाले थपलीवार परिवार के पुजारी करते हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार आदि बद्री मंदिर का निर्माण 8वीं से 11वीं सदी के बीच कत्यूरी राजाओं द्वारा किया गया था। आदि बद्री मंदिर में प्रत्येक वर्ष भगवान बद्री विशाल के कपाट हिंदू धामों की तरह भक्तों के लिए बंद एवं मकर संक्रांति को कपाट खोल दिए जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि भगवान बद्रीनाथ के दर्शन से पहले भगवान आदि बद्री के दर्शन करने चाहिए। यहाँ भगवान विष्णु की पूजा होती है और भगवान विष्णु जल तत्व में विराज होते हैं। यह मंदिर कर्णप्रयाग से 17 किलोमीटर दूर रानीखेत नैनीताल वाले मार्ग पर स्थित है। बद्री मंदिर से निकटतम रेलवे स्टेशन ऋषिकेश लगभग 192 किलोमीटर है। ऋषिकेश से आदि बद्री बस या टैक्सी से पहुँचा जा सकता है और हवाई अड्डा देहरादून में जॉली ग्रांट एयरपोर्ट है जो आदि बद्री से लगभग 210 किलोमीटर है। देहरादून हवाई अड्डे से आदि बद्री तक टैक्सी या बस सेवाएं उपलब्ध रहा करती हैं।